तशर फिरोज का रिपोर्ट कर रहा है तुल्फकार ट्रगर ठारो शाह में सिंधियत में सगत पारा सिंध ए हिंद जे महान रागी मास्टर चंद्र जे 40 वर्षी तकरीब संदस जन्म भूमि घर में मुनक तकरीब में सिंधियत में संगत जे अगवान समेत सियासी समाजी शायरन समेत शायरन जी शिरकत संदस जिंदगी रोशनी विधि सूफी फनकार फन जो मुजाहरो जियो मास्टर चंद्र जा गीत गाए आयल के झुमाए छो तकरीब में ममता अवार्ड तकसीम में खबर मुजिब सहाती परगणी के शहर ठारो शाह में जन्म वठंदड़ सिंध ए हिंद के महान रागी मास्टर चंद्र के 40 वर्षी के मौके से सिंधियत अदबी संगत जिले राबता सेक्रेटरी नौशरो फिरोज एम जफर ट्रगर पारा महान रागी मास्टर चंद्र के जन्मभूमि शहर ठारो शाह में मौजूद सदस घर में तकरीब मुनद थी। वर्षी तकरीब में सिंधियत अदबी संगत के अगवाणन ताज जोयो जफर तगर अली खान आलमानी खालिद महसूद चन्नाई अख्तर खानजादा सैद अजहर अली शाह परवे प्रो वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी ब्रांच अलहद शाह अब्दुल सत्तार लहरानी मेंबर सिंध बार काउंसिल एजाज ममलानी यूनिस राजपुर यूसुफ मंगे शाह जलवाणी डॉक्टर बरकत मलिक अजीज सोलंगी अली रजा काजी अब्दुल गफ्फार अब्बासी असगर भट्टी रजा लांघा समेत शायर साफिर बेन शख्सियत वे तादाद में शिरकत कर मौके से अगवान तकरीब के खिताब करते चे तो राग रूह की गिजा है। मास्टर चंद्र पैं दौर में एक मिठड़ी आवाज से मुनफरद राग गाय जै सबब खेस शोहरत मिली। उन्होंने वक्त से गड राग में भी तब्दीली आई पे राग में सिख्या होंगी हुई जैसे बुधण से दिली सुकून मिले जैसे तो तकरीब में मास्टर चंद्र ममता अवार्ड पिण तकसीम क्या वह आखिर में सिंध के भलो डागिन एजाज खास के लिए रऊफ मक्सी मुर्क महबूब ए बेन मास्टर चंद्र जहा गीत गाय महफिल के झुमाए। खैबर खां आसीस गुल खैबर की रिपोर्ट मुताबिक खैबर में जानबाज क्रिकेट क्लब पारा मरहूम फकीर मोहम्मद जुमन नूह पोटो मरहूम जावेद अहमद मेमण की याद में टेन स्टेप बाल ते क्रिकेट टूर्नामेंट थी गुजरी जैमें तलके मटियारी के बेहतरीन 16 टीम ने वरतो। क्रिकेट टूर्नामेंट जो मेलो एक महीनों जारी रो जो फाइनल थी गुजरियो। फाइनल जो मेहमान खास अब्दुल रहीम खेबर एजाज़ी मेहमान हाजी मोहम्मद फकीर नूह पोटो बशीर अहमद खेबर शौकत खेबर अब्दुल हफीज सोलंगी ए मोहम्मद बख्श पाराणाणी जनवा। फाइनल अल बलोच अल सैयद हैदर शाह अले 11 दरमियान थी गुजरियो। अल सैयद की टीम के कप्तान टॉस खटी पहली बैटिंग कई मुकर 10 ओवर में अल सैयद हैदर शाह 11 7 विकेट के नुकसान 105 रन उठाए जैमें नजम शाह 36 रन उठाए। जवाब में अल बलोच टीम मुकर ओवर में 85 रन उठाय अल सैयद हैदर शाह की टीम 20 रन तक फाइनल खटी वरतो। मेहमान खास अब्दुल रहीम खैबर ए बेन विनर कप टीम के कप्तान महबूब खास के लिए विनर ट्रॉफी दिनी रनर टीम के कप्तान मुनवर अली खोसो के भी रनर ट्रॉफी। फकीर हाजी मोहम्मद नूह पुटो हाजी बशीर खैबर ए अब्दुल हफीज सोलंगी जन्म दिनी जैसे तो उन मौके से फाइनल की तकरीब के खिताब कहते टीम के रांदीकरण दीदार शाह मुनवर खोसो ए आर्गनाइजर अनीक खैबर तो अवाम की तफरी अहम टूर्नामेंटू थियन घुर्जन मटियारी के में जिले लेवल से टूर्नामेंटू थियन घुर्जन। अस डीसी मटियारी मटियारी स्पोर्ट्स के आला हुकाम की गुजारिश कदासूँ तो स्पोर्ट्स के मटियारी जिले में उजागर किया वे रांद फंड जारी किया वे। मेहमान खास अब्दुल रहीम खैबर ए हाजी मोहम्मद फकीर नूह पुटो पारा टूर्नामेंट के आर्गनाइजर अनीक खैबर के 5,500 रुपया कैश इनाम क्रिकेट टूर्नामेंट जो आर्गनाइजर अनीक खैबर ए इंतजामिया में अमीर कमरानी उमेर कमरानी नियाज खोसो कमेंट्री कदड़ अब्दुल वहीद खैबर एम्पायर रजा। ठुल खां रिपोर्ट कर रो है मीर मोहम्मद फैज सुमरो पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो तालका ठुल के सदर अली हसन बुरड़ो पारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिले जेखवाबाद के सीनियर नायब सदर ए PPMPA ठुल डॉक्टर सोहराब खान सरके जो सियासी जानशीन फर्जंद मीर मोहसन खान सरके के 33 सालगिरह जो प्रोग्राम जीलानी फार्म हाउस ठुल में मुनद कर जैसा मेहमान खास पीपी अगवान सैयद रिजवान अली शाह जीलानी एहसासी मेहमान सरदार राफी खान जलवाणी मीर यासिर इमदाद खान सरकी MC इंस्पेक्टर खादिम अली बुरडो सीनियर पीपी अगवान चीफ मुनीर अहमद मोगल डॉक्टर गुलाम सरवर खोसो गुलाम यासिन सरकी मीर आमिर खान पट्टी फकीर अली हसन बुरडो जाफर अली लाशारी अब्दुल मजीद थहीम रबनवाज सरकी इसरार अहमद सरकी सोराब खान टोल शाहजेब सरकी सब्जी यूनियन के अगवान समेत दोस्त अली
जाफरी रफीक मंसर की सहाफ़ी गाजी रशीद भट्टी बिन आयल मेहमान मथा कुल निशावर कर शानदार इस्तकबाल कर जडे तपीपी अगवान कारकुन पुरस्तारन साल पारा सालगिरह के पुरमसरत मौके ते मीर मोहसिन खान सर के हार पराए चार पाउंड जो केक काटे एक बे के केक खाराए मुबारक उन मौके ते मीर मोहसिन खान सर की पारा सालगिरह जो शानदार प्रोग्राम मुनद कद अली हसन बुरड़ो सैद रिजवान शाह जो शुक्रिया अदा कदे तमाम शिरकत कदन जा थोड़ा मना तकरीब बाद मीर मोहसिन खान सर के सेहत तंदुरुस्ती वही जमार ला दुआ पिण घुरी वही। खानपुर महर खां रिपोर्ट कर रहा है अब्दुल वहीद गडानी। खानपुर महर वेझो गोठ लुंडी टोड़ी बासर मान पारा रात के वक्त घर के बाहर खबर मूजिब खानपुर महर लगोठ लुंडी टोड़ी वासी बाबू पिताफी शमीर पिताफी साबू पिताफी अब्दुल अजी उजेर पिताफी जो एतराज कहते बुधाए तो बासर जवाबदार रात के वक्त घर के बाहर फरार जवाबदार शाहनवाज पिताफी हकनवाज पिताफी रफीक पिताफी नजम पिताफी बेन असाजे घर मथा हमलो कर घर के बाहर साड़े छो है लखें रुपये जो सामान साड़े छो है इल्जाम है तो घर में पल कुरान मजीद ए घर जो सामान सड़ी रख थी वो है वसवार के मुतालबो कदे तो जवाबदार खिलाफ केस दाखिल कर इंसाफ कर वे। ये खां रिपोर्ट कर रहा है अली गुलाम खुस डी एच ओ पदीन डॉक्टर अंजुम सुमरो डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर साहब खान खुसो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर ग्लोबल फंड्स एज इम्तियाज सुमरो पारा दुपासी फाउंडेशन के सहकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तहत आर एच सी ए में छाती के मुफ्त कैंप कायम कई वही जैमें 100 का वधिक मरीजन जहाँ मुफ्त एक्सरे कया वह जैमें 8 मरीजन जहाँ टीबी जहाँ सैंपल वरता वह दुपासी फाउंडेशन के नुमाइंदे महफूज अली पोहण बुधा तो असा यूएसएड के तावन से अस टीबी जो मुफ्त कैंप लगायूं पा अगर कें भी मरीज के टीबी तशखीस थी तो उनके टीबी जो मुफ्त दवाओं साहब का रिपोर्ट कर रहा आफाक अली संजरानी ब्रेकिंग न्यूज पाँच नाजरन के दीदा तो शिकारपुर का खीर विक्रो कर वापस इंदड़ पोरे लोटरा थाने के हद में मुबैना तौर अगुआ मियाँ साहब गोठ मोहम्मद हयात जुने जो वासी खीर विक्रो कदड़ पोरे हाशिम उर्फ मोहसन जुने जो शिकारपुर जखमाबाद कौमी शाहरा से लोटरा थाने के हद में मुबैना तौर अगुआ थी वो है वारसन जो पुलिस के इतला पुलिस के वारसन पेरे था खानपुर तरफ रवाना बे तरफ राबतों करण से लोटरा पुलिस बुधा तो हथियारबंदन पारा खीर विक्रो कर वापस इंदड़ पोरियत की मोटरसाइकिल गोठ का ब किलोमीटर फासिले से फिटो कर पोरियत के अगवा कर घोटकी का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो की रिपोर्ट मुताबिक घोटकी के शहबाज कल में ट्रांसफार्मर के बाह मोहल्ले वासी कुर्बान कटानी जो मुबैना उताक के बाह मोटरसाइकिल गैस मीटर सड़ी रख थी वो इतला बावजूद सेपको अमलो न पहतो अड़े अमल खिलाफ मोहल्ले वासन कुर्बान कटानी रब्बानी सावंत चौधरी जावेद समेत बेन एहतजाज कदे तो असाजे मोहल्ले सेपको अमले वारन के शिकायत बावजूद कदें को अमलदार ना पहतो असाजे ट्रांसफार्मर के ओचितो बाह वकोड़े वही जैसे नतीजे में कुर्बान कटानी ताक घर जो गैस जो मीटर मोटरसाइकिल सड़ी रख थी बाह लगन वक्त अस एस टी ओ लाइन सुप्रिटेंडेंट एमरजेंसी कॉल सेंटर से कॉल कंदा रहासी पर असा के कें मदद न कई असाजे मोहल्ले समेत भरसा टे ट्रांसफार्मर सड़ल आन पर सेपको अमलो बेखबर बनल है पूरा इलाको उंदाई के वर्चण लाए एहतजाज कद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी सेपको चीफ सखर समेत चूंडियल नुमाइंदन के अपील कई तो असाजे जे मुआमले जो नोटिस वी इंसाफ कर वे बी सूरत में अदालत जो दरखड़ कईंदी। खैबर खां अजीज गुल खैबर की रिपोर्ट मुताबिक हैस्को वापडा एस टी ओ मटियारी के हुक्म से खैबर शहर में चोरी ज लगल गैर कानूनी कनेक्शन कढ़न कुंडन ए बकाया रहतुन बिलन खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन दौरान गैर कानूनी कनेक्शन ए कुंडियों कटी वही जडे त खैबर शहर के मुख्तलिफ मोहल्लन सैद मोहल्ला मेमण मोहल्ला मीरपुर मोहल्ला शीदी मोहल्ला खैबर मोहल्ला सुमरा मोहल्ला में तकरीबन 100 का मथे गैर कानूनी कनेक्शन ए कुंडन के ऑपरेशन कर गैर कानूनी कनेक्शन जो कटियल तारू पैं तहवील में वी छो मौके एस टी ओ वापडा मटियारी आफ्ताब डहानी मीडिया के बुधा तो मटियारी जिले में गैर कानूनी लगल कनेक्शन के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया पे वे जैसे अज खैबर शहर में असि टीम गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कर रही है और गैर कानूनी कनेक्शन लगाइंदड़ रहल बिल न प्यारींदन के चिता तो दियं तो गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कर भी सूरत में सदन खिलाफ कानूनी कार्रवाई कई वी उन मौके से सर्च ऑपरेशन कदड़ टीम में एल एस नियाद अहमद खास के लिए वापडा चेयरमैन मौला बख्श खास के लिए लाइनमैन खालिद हुसैन मेमन खुदा बख्श भमरो रियात अहमद फुलपोटो गुलाम हैदर इश्तियाक अहमद एल एम अब्दुल गफूर मल्ला साजिद राजपूत जन सर्च ऑपरेशन कर।
ठोला खां रिपोर्ट कर रहा है मीर मोहम्मद फैज़ सुमरो ठोला के एस सेक्शन थाने के हदा गोठ उमर को डाणी भरसा पुलिस ए डोहन में मुकाबलो थी पयो। मुकाबले पयते पुलिस बदनाम डोहारी हाशिम मलगाणी के भा मुकीम मलगाणी के जख्मी हालत में गिरफ्तार करे वरतो है। पुलिस मूजिब गिरफ्तार कल जख्मी डोहारी मुकीम मलगाणी मथा अठ का केस दाखिल थे। जख्मी डोहारी जो भा हाशिम मलगाणी 1 करोड़ इनाम याफ्ता डोहारी है। जांच कर रहा है। शिकारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं आफाक अली संजरानी। शिकारपुर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी। मुबैना 2 अफराद जख्मी। आए दिन लूट मार का सिलसिला जारी। जिले शिकारपुर में कोई दिन बगैर वारदात के नहीं ढलता, जाए तो जाए कहां। शिकारपुर के नवाही इलाके मदेजी के करीब ताजू देरो थाने के हदूद गाँव यार मोहम्मद शेख के करीब नामालूम मुसल अफराद ने डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त शामीर शेख और वसायु शेख के नाम से हुई है, जिनको मकामी अस्पताल लाया गया है। जख्मियों के हाल तश्वीशनाक है की वजह से लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हथियार बंद फरार हो गए। नौजवानों के जख्मी होने की इतला मिलने पर पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। मजीद तफ्तीश जारी है। जख्मियों का कहना है कि जरई जमीन के लिए पेट्रोल लेकर वापस गांव जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार मुसल अफराद ने डकैती के नियत से लूट मार की और मुजाहमत पर जख्मी करके फरार हुए।